बहुत लूट लिया इन चोरों डकैतों ने, ये सारी उम्र हमें लूटते हैं, हमारे बच्चों का इन्होंने मुस्तकबिल लोच लिया है। बच्चे बच्चे को पता है इस पीडीएम सरकार ने पिछले एक साल में गरीब का खून चूस लिया है। हम तो खान साहब के लिए इस्लामाबाद तक पैदल जाने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या कहते हैं, आज एक बंदा फिर आप लोग बाहर निकले हैं, और हर मरतबा जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं, पसंदीदा साहब के जो कारकुन है वो बाहर निकलते हैं खान साहब के साथ, जज्बा कैसे बरकरार रख लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कहना मुदवई, या कहना स्टाइन, अनस भाई सबसे पहले आपको और बोल टीवी को सलाम, आप लोगों ने हमारी और पूरी कौम की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे। दूसरे नंबर पर अनस भाई, ये इमरान खान साहब की जंग नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। बहुत लूट लिया इन चोरों डकैतों ने, ये सारी उम्र हमें लूटते हैं, हमारे बच्चों का इन्होंने मुस्तकबिल लोच लिया है। तो अगर हम आज नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे बाहर? हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकले, और इमरान खान साहब जब आवाज देंगे, जहाँ आवाज देंगे, पैदल चल के आना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, हम आएंगे इंशाल्लाह। थकते नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारा कप्तान नहीं थकता तो हम क्यों थके? तो हम इंशाल्लाह ताला हर जगह पे इनके साथ हैं। और हुकूमत तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे अब आप लोग? अनस भाई, बच्चे बच्चे को पता है इस पीडीएम सरकार ने पिछले एक साल में गरीब का खून चूस लिया, ये क्यों इलेक्शन करवाएंगे? ये चोर डकैत करप्ट ये इंपोर्टेड सरकार कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान साहब इनको घसीट के इलेक्शनों की तरफ लेके जाएंगे, पूरी कौम इनको घसीट के इलेक्शनों की तरफ लेके जाएगी। कि आजकल गुजारा कैसे हो रहा है? अनस भाई, सफेद पोश इंसान की सफेद पोशी छिन गई है, ये इंसान लोग अपनी इज्जतें बेचने पे आ गए हैं। इन यजीदों का, इन फिरौनों का, इनका पेट नहीं भरता, और वहां जो है वो भूख से मारी है, अफलास से मारी है, आटे की लाइनों में 30 से 35 लोग शहीद हो गए, इनको शर्म अभी तक नहीं आई। जी नाजीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम का जज्बा, क्या हालात हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि आटा जो है वो अवाम के पहुँच से दूर हो चुका है, हालात जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब किस लिए सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब जो है वो अवाम की बात करते हैं। आगे भी आपको लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। सब में मोहब्बत है, खान साहब ने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सोचा है, ये पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो खान साहब जैसा हो। तो मुझे बताएं कि आप लोग थके ही नहीं कि हर रोज़ आप रैली निकालते हैं, थकते नहीं आप लोग? नहीं जी नहीं, हम तो खान साहब के लिए इस्लामाबाद तक पैदल जाने के लिए तैयार हैं। ये तो फिर यहाँ से इस्मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक पैदल जा रहे हैं। अगर खान साहब हमें कॉल दें जी यहाँ से इस्लामाबाद पैदल जाना है, हम तो फिर भी पैदल जाने के लिए तैयार हैं। क्या बुरा हाल कर दिया कि हम ये देखें पैदल जा रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आटे का थैला भी नहीं मिल रहा, देखें कैसी बात है। खान साहब की हुकूमत में ऐसा नहीं था। जो कि आप तरीके इंसाफ के लोगों की बात सुनने हैं, उनके ये कहना है ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, और ना ही कोई और चीज़ यहाँ पे। इनका ये कहना है कि हम इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलते रहिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो कुआन पाकिस्तानी, मुख्य मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। About some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. United Nation ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।